नमस्कार दर्शकों, आज स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका। तो आप सभी को पता है कि आज जिला परिषद और जो है बीडीसी मेंबर्स जो भी हैं उनके चुने गए हैं, जो उनका है रिजल्ट निकल रहा है आज। तो यहां से जो है बाड़ी फन्नौल जो क्षेत्र है वहां से ये अंकुश जी जो हैं वो उन्होंने जीत हासिल की है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो अपनी जीत का श्रेय जो है वो किसे देना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी जीत का श्रेय अपनी पूरी ग्राम पंचायत वासियों को देना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं फील्ड में गया तो मुझे बहुत प्यार मिला अपने पंचायत वासियों से, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिला और इसी कारण मैं आज जीत हासिल कर पाया हूं। ओके सर, आप बीडीसी चुने गए हैं अपने क्षेत्र से, आप जो हैं क्या प्राथमिकताएँ लेके जो हैं वो आप क्षेत्र में उतरेंगे? मैं ये सोच के चला हूँ कि मैं जो जीता हूँ, मुझे बुजुर्गों, बड़ों और बहनों का आशीर्वाद मिला है, तो मैं अब अपनी पंचायत में जो भी संभव काम विकास का होगा वो मैं पूरा करवाऊँगा उसको, और पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि उससे ज़्यादा ही करवाऊँ। सर, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा ही आशीर्वाद मिलता रहे और मैं ऐसे ही काम करता रहूँ, जनता मेरे साथ चलती रहे, मेरा व्यवहार जनता में अच्छा हो, बस यही आशीर्वाद की विनती करता हूँ। ओके, धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे बाड़ी फन्नौल से बीडीसी मेंबर अंकुश जी। नमस्कार दर्शकों, इस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ दीपिका। तो आप सभी को पता है आज 22 जनवरी है और बीडीसी और जिला परिषद के जो चुनाव हुए थे उनका रिजल्ट जो है वो निकल रहा है। कुछ लोगों का कुछ क्षेत्रों में निकल चुका है और कुछ क्षेत्रों का अभी निकलना है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे जीत चुके हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी अपनी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ बहुत आप देख सकते हैं ग्राउंड में पूरे में काफ़ी लोग हैं, काफ़ी संख्या में जो हैं लोग यहाँ पे खड़े हैं और जो भी रिजल्ट निकल रहा है उसका वो वेट कर रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे एक ये शख्स हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो बीडीसी मेंबर थे या जिला परिषद के लिए किस पद से जो है वो चुनावी मैदान में उतरे थे। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, आप कौन से पद से, किस पद से उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में उतरे थे? मैं वार्ड नंबर 6 दुरुई से बीडीसी मेंबर चुना गया हूँ। आपको कितने वोट मिले हैं? मेरे को 450 वोट पड़े। क्या आपको उम्मीद थी कि इतने वोट मिलेंगे आपको? ऐसे उम्मीद तो बहुत थी पर थोड़े कम पड़े जिस हिसाब से हम करते हैं। हमने कभी राजनीति में आने के लिए नहीं यहाँ की इलेक्शन लड़ा, बस यही था कि हमारे साथ कितने लोग हैं, जो कार्य हम करते हैं, हम एक एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, उस एनजीओ की सेवाएं हम दूर दूर तक पहुँचाते हैं, इसमें कोई टाइम की नहीं होती है, यानी कि उसी हिसाब से हमें थोड़े कम मिले और कुछ नहीं, यही बोलूँगा मैं। आप क्या सोच के, क्या प्राथमिकताएं लेके जो हैं चुनावी मैदान में उतरे? प्राथमिकताएं यही रहें कि लोगों की सेवा करना, बस और कुछ नहीं, लोगों की जान तक हुई, लोगों की समस्याओं का समाधान करना, छोटी छोटी प्रॉब्लमें होती हैं जो घर घर की, वो सॉल्व करना बस। ओके सर, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देंगे, हमारे साथ जुड़ो और हमारे एनजीओ के साथ हमारी तरह ही काम करो, राजनीति मतलब लोगों के साथ राजनीति ना की जाए। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए सर। तो हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं उनकी राय थोड़ा कि किस प्रकार से जो है क्षेत्र का विकास होना चाहिए। देखो जी, क्षेत्र का विकास सभी लोगों का साथ के साथ विकास होना चाहिए, हर आदमी का साथ जो है उसको साथ में लेकर विकास होना चाहिए। सर, आप कहाँ से हैं? हम पंचायत दड़ुई से हैं जी। अच्छा, तो आप जो आपकी दड़ुही पंचायत से जो हैं ये संजीव कुमार जी जो हैं वो जीते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि ये जो जिस एनजीओ से जुड़े हुए हैं और लोगों की सेवा करते वैसे करते रहें। ओके, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए सर। हमारे साथ यहाँ पे और भी सर हैं, तो हम उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे, उनके जो क्षेत्र से जो हैं ये संजीव शर्मा जी जीते हैं, तो उनसे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संजीव कुमार जी जो हैं ये मिलनसार हैं और इनका जो है लोगों से सबसे लगाव, और ये जो हैं स्वयं से भी आदमी हैं, और हम ये इनसे ये उम्मीद रखते हैं कि आगे भी जैसे अभी तक इन्होंने लोगों से सेवा की है आगे भी इसी तरह से सेवा करते रहें। धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ से पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी उनकी थोड़ी राय जान लेते हैं कि क्या मानते हैं वो कि जो चुनाव है वो कितने ज़रूरी हैं।
चुनाव बहुत ज़रूरी हैं जी। देखिए, इससे तो सबसे एक तो नुमाइंदा हमें मिलता है, दूसरी बात है कि जो पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आगे रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसके लिए नुमाइंदे की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए चुनाव बहुत ज़रूरी है। और दूसरी, जहाँ तक हमारे ये जो कैंडिडेट थे संजीव वर्मा जी, इनका जो नेचर है वो बहुत मिलनसार है, ये कोऑर्डिनेशन, अब इनको ये चाहिए कि कोऑर्डिनेशन पब्लिक के साथ रखें और जो पब्लिक के प्रॉब्लम्स हैं उनको आगे रिप्रेजेंट करके उनका समाधान करवाएं। सर, आपके क्षेत्र में जो है क्या ऐसे कार्य हैं जो प्राथमिकता के साथ होने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सबसे मेन समस्या रहती है, कहीं भी कोई भी पंचायत ले लीजिए, वहाँ पे लोगों के लिए जो प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट होती है, नीड्स होती है, जैसे रास्ते हैं, बिजली, पानी और भी जो भी पब्लिक से रिलेटेड जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी चीज़ें होती हैं, उन सभी का समाधान होना चाहिए। ओके, धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुरेश कुमार राणा जी और मैं द्रोही पंचायत से ही बिलोंग करता हूं। ओके, धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो यहां पे हमारे साथ कुछ और लोग भी यहां पे मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र से जो है VDC मेंबर चुने गए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे संजीव शर्मा जी BDC मेंबर चुने गए हमारी पंचायत से, जैसे इससे पहले समाज सेवा करते रहे हैं, उम्मीद करते हैं आगे इसी तरह अपन इस सेवा करने का जवाब इसको निरंतर आगे बढ़ाते रहें, यही उम्मीद है इनसे हमें। सर, आपके क्षेत्र में क्या जो है मतलब जो क्या मेन समस्याएं जो हैं वो आपके क्षेत्र में है और उनका जो मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान होना चाहिए? हमारे क्षेत्र में, हमारे ग्राम पंचायत में वैसे विकास तो काफ़ी हुआ है, लेकिन फिर भी कई बार कोई रास्ते रूस्ते जो बचे पक्के पुक्के होने के लिए उनमें पक्के वगैरह हो जाएं, और जो भी बाकी समस्याएं होती छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको समाधान जरूर करवाएंगे। ओके, धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो हमारे साथ एक शख्स और हैं यहाँ पे, हम उनसे भी जान लेते हैं कि जो उनकी पंचायत से जो हैं अभी हाल ही में BDC मेंबर जीते हैं, उनके बारे में क्या कहना है उनका। हाँ मैडम, नमस्कार, मैं सुरेश पटियाल हूँ, मैं ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का हमीरपुर का, और मैं पार्टी की ओर से आया हूँ अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के लिए। तो ये कैंडिडेट जो जीते संजीव कुमार जी, ये हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और काम भी बहुत अच्छा करते हैं, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये अपने क्षेत्र की सारी समस्याएँ जो वो हल करेंगे, लोगों की इच्छा अनुसार हल करेंगे। ओके, धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे द्रोही पंचायत से संजीव कुमार जी। अभी जो रिजल्ट है बाकी के वो भी निकल रहे हैं, तो हम थोड़ी ही देर में आपसे मिलेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या रिजल्ट है आगे। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पे और भी हैं जो विजेता जो हैं यहाँ पे और भी जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से हैं, क्या नाम है उनका और किस पद से जो है वो चुनावी मैदान में उतरे थे। नमस्कार सर, मैं हरीश शर्मा, वार्ड नंबर 4 से, जो जिसके अंतर्गत नालटी और नारा पंचायतें आती हैं। मुझे जो लोगों ने और मेरे कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया है उसके लिए मैं आजीवन भर उनका आभारी रहूंगा, और दोनों पंचायतों के लिए जो उनके कार्य वहां पे करने को हैं, अधूरे कार्य हैं, उनको भी मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। सर, आपको कितनी उम्मीद थी कि आप जीतेंगे? मुझे तो 101% उम्मीद थी, पर जो जनता ने और हमारे भाइयों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, वो जो लीड दी है वो लगभग एक तरफा थी, और मैं उनका सदा ऋणी रहूँगा। सर, आपकी क्या प्राथमिकताएं जो हैं अब रहेंगी? वैसे तो हमारी सारी पंचायतें जो हैं दोनों ही डेवलप्ड पंचायतें हैं, परंतु फिर भी उनके जो छोटे छोटे कार्य हैं और दूसरे भी जो बड़े कार्य हैं, बड़े नेताओं से करवाने वाले हैं, वो उनसे करवाएंगे, जो हमारे लेवल के हैं वो हम करके उनको देंगे। आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि मैं उनका छोटा भाई हूं और उनका बेटा हूं, तो आने वाले समय में मैं उनकी तकलीफ में उनके साथ हमेशा रहूंगा। ओके, हमारे साथ यहां पे कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कोई क्या कहना है उनका हरीश जी की जीत के बारे में। ये हरीश अंकल ने तो बहुत अच्छा दिखाया कि पूरे जितनी पंचायती थी दोनों में बहुत ही अच्छा काम किया, युवा भी साथ में थे सारे, और सेकंड थिंग इज दैट कि उन्होंने ये भी किया कि जो पहले के काम बचे हुए थे वो भी बिना होने के बाद उन्होंने काम करवाए हैं सारे। थैंक यू। ओके, तो आपके क्षेत्र में जो है क्या ऐसे काम है जो अभी तक नहीं हुए हैं, होने बाकी हैं? काम तो वैसे हमारे दोनों पंचायत अच्छी डेवलपमेंट है, पर उसमें ये कि थोड़े बहुत जो काम बचे हुए हैं वो आगे जो हमारे बच्चे हुए हैं रास्ते उससे हमारे छोटे मोटे बच्चे हुए हैं वो सारे पूरे डन कर रहे हैं। ओके, धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे BDC मेंबर नारा से।
दर्शकों यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं अणु से कांता देवी जी, जो हाल ही में बीडीसी मेंबर चुनने गई हैं। उन्होंने बीडीसी मेंबर जितने भी प्रत्याशी खड़े थे उनको सबको हराकर जीत हासिल की है, तो इन्होंने साबित कर दिया है कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। तो हम जानते हैं इनसे कि ये अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे और क्या उम्मीद थी इनको कि ये जीतेंगे। नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्ते जी। मैम आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती कांता देवी, मैं वार्ड नंबर 13 अणु से हूँ। मैम आप कितने वोट मिले हैं? आप 1535। अच्छा, तो मैम आप अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? पब्लिक को, जिन्होंने मुझे आगे लाया। मैम आप कितनी उम्मीद थी आपको कि आप जीतेंगे? 100%। अच्छा, तो आपकी जो पंचायत है अणु में, तो वहाँ पे क्या क्या विकास कार्य जो हैं वो करवाने होंगे? जो भी विकास कार्य होंगे उन पे पूरा ध्यान दूंगी तथा करूंगी भी। सभी सामने आएगा सबके सामने आएगा जो मैं करूंगी। सभी वार्ड मेरे लिए एक बराबर हैं, चौकी पंचायत भी और अणु भी। आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता की मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ उनके लिए। मेरे लिए जो भी होगा मैं करूँगी। धन्यवाद मैम हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थी कांता जी अणु पंचायत से। तो हमारे साथ हैं अमरोह से मधु जी, जो हैं बीडीसी मेंबर के पद जीत चुकी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगी और उनकी जो आगे की प्राथमिकताएं हैं वो क्या रहेंगी। पहले तो मैम आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। आप हमें बताइए कि आप कितने वोटों से जीती हैं? मैम मैंने 975 वोट से लीड की हुई है। ओके, तो आप हमें बताइए कि आपका जो जीत का श्रेय है वो किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पार्टी को देना चाहूँगी और दूसरे मेरे माता पिता और इनका साथ चाहूँगी। तो आप हमें बताइए कि जो आगे की प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी वो क्या क्या रहेंगी? क्या बोलूँ मैम? आगे की प्राथमिकताएं आपकी क्या क्या रहेंगी? वो तो मैम आगे जाकर जब मैं फील्ड में आऊँगी तभी पता चलेगा आगे की। आप प्रचार कर रही थी तो लोगों ने आपको समस्याएं बताई होंगी कि उनके वार्डों में क्या क्या समस्याएं हैं, तो आप किस तरह से उनको हल करेंगी? मैम जब मैं अपना काम करूंगी तब मैं सभी की समस्याएं सुनूंगी, ऐसी बात नहीं। मैं सभी जगह जाऊंगी और सभी से बात करूंगी और उनकी समस्याएं भी सुनूंगी, फिर मैं देखूंगी उस पर किस तरह काम करूंगी मैं उस पर फिर। जी मैम। तो ये थी हमारे साथ अमरोह से मधु जी, जिन्होंने बीडीसी का पद जो है वो जीत चुके हैं। उनसे आइए कुछ लोगों से और भी जानते हैं कि वो इस जीत का श्रेय वो जो मधु जी जीते हैं उनके बारे में क्या क्या कहेंगे। सर आप हमें बताइए कि जो मधु जी हैं अमरोह से जीते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ी जीत हासिल की है जी, और उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत कर्मठ और शिक्षित उम्मीदवार थे और लोगों ने उनको दिल खोल के वोट डाले हैं और वन साइड मतलब बहुत ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाई है। एक कम से कम 1000 वोट से इन्होंने जीता है, चुनाव जीता है और जनता ने उनको काफ़ी सहयोग दिया। पहले भी इन्होंने पिछली बार ऊपर प्रधानी का इलेक्शन लड़ा था तो थोड़े से मार्जिन से रह गए थे, लेकिन लोगों ने अब इस बार इनको दिल खोल के वोट दिए। आइए कुछ लोगों से और जानते हैं कि वो इस जीत के बारे में मधु के बारे में क्या कहेंगे। आप हमें बताइए कि जो मधु जी हैं अमरोह से जीती हैं आप उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि मधु जी ने बहुत ही ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और साथ ही साथ उन्होंने 972 वोट से लीड की है और मैं गाँव वासियों का, परिवारजनों का और साथ ही जो हमारे बुजुर्ग भाई बहन है उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। तो आपने देख लिया कि लोगों ने भी उनका बहुत सहयोग दिया है और उन्होंने बताया कि जो आगे विकास के कार्य हैं उनको वो पूरा करवाते रहेंगे। तो ये थी हमारे साथ मधु जी की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं धनेड़ पंचायत से सतीश जी, तो हम उनसे जानते हैं कि अपनी जीत का श्रेय जो है ये किसे देना चाहेंगे और कितने श्योर थे अपनी जीत को लेके। मैं अपनी जीत का श्रेय अपनी दोनों ग्राम पंचायतों को देना चाहता हूं और जो सबसे ज़्यादा श्रेय मैं उनको देना चाहता हूं जो मेरे साथ 25 दिन रात जो मेरे साथ चले रहे, संगठन में चले रहे, मैं उनका अपनी ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद भी करता हूं और मैं अपनी जीत के लिए 101% श्योर था। सर आपको कितने वोट मिले हैं? मुझे 965 वोट मिले सर। सर आपकी प्राथमिकताएँ क्या रहेंगी अब? मेरी प्राथमिकताएँ रहेंगी दोनों पंचायतों का विकास कराना, जो भी कार्य बचे हुए हैं उनको पूरा करवाना और जैसे सड़कें हो गई, पुल हो गया, बाकी जो जहाँ पर कोई और काम बचे हुए कच्चे रास्ते वगैरह उनको पक्का करवाना और जो भी विकास के लिए जो भी स्कीम है उनको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। सर धनेड़ पंचायत में क्या समस्याएं जो हैं सबसे ज़्यादा हैं? धनेड़ ने दोनों पंचायतों में अभी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो रोड है डलियाऊ से
दहेज के लिए उसको जो खड्ड से होकर गुजरता है वहाँ पर पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी कि उसके ऊपर जो पुल बनना है उसको पूरा करने की मेरी प्राथमिकता पहली रहेगी। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि वो जैसे मेरा इस चुनाव में मेरा उन्होंने सहयोग दिया, अपना समर्थन दिया, आगे भी 5 सालों के लिए मेरे साथ ऐसे ही समर्थन देते रहे और साथ में मेरे साथ चलते रहे और जो विकास के कार्य हो उनमें मैं अपना पूरा समर्थन और सहयोग प्रदान करें मेरा। धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे धनेड़ पंचायत से बीडीसी मेंबर जीते हुए सतीश जी। तो दर्शकों यहाँ पे एक और बीडीसी मेंबर जो है वो जीत चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या उनको उम्मीद थी कि वो जीतेंगे या नहीं। नमस्कार, नमस्कार सर, आज स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी मैम। सर आप हमें बताइए कि आपका नाम क्या है और किस पद से जो है उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे? जी मैम, मैम मेरा नाम संजीव कुमार है, बस्सी जनारा से मैं बिलोंग करता हूँ, ग्राम पंचायत बस्सी जनारा से बीडीसी के लिए पद के लिए मैं खड़ा था और 215 वोट से जो है मैं विनर हुआ। अच्छा सर, आप हमें ये बताइए कि आपकी क्या प्राथमिकताएं आगे रहेंगी? मैम मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि एक तो सबसे बहुत जरूरी है जो कि पुल कोठेड़ा और जनेरा के बीच में जो पुल है ना उसको प्राथमिकता रहेगी कि उसकी प्योरिटी दी जाए और बनाया जाए और बहुत जरूरी है वो, है जी। और पंचायत में जो भी बिल्कुल करने लायक काम होंगे वो सबसे पहले किए जाएंगे। सर आपको कितनी उम्मीद थी कि आप जीतेंगे? मैम मुझे 100% उम्मीद थी, मुझे बुजुर्गों का साथ था, आशीर्वाद था, बच्चों का सहारा था, है ना जी, और माताओं का प्यार था, इसलिए मैं खड़ा हो गया। ओके सर, आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता मेरे साथ है, मैं उनके साथ हूँ, काम करेंगे तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं करेंगे तो पीछे हटाएंगे। सर आपके क्षेत्र में कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत ही ज्यादा हैं? सड़क और पानी की ज्यादा समस्या है। तो आप किस तरह से उसका विकास करवाएंगे? मैम जैसे पंचायत चलेगी उनके पीछे पीछे, नहीं काम करेंगे तो उनको सिखाएंगे काम करो, ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, जो भी काम मेरे लायक होगा मैं सबसे पहले जनता का सेवक बन के ही काम करूंगा। ये धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे बस्सी जनियारा से बीडीसी मेंबर जिन्होंने जीत हासिल की है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पंचायतों के चुनाव हो रहे थे वो अभी पूरे तरह से हो चुके हैं और जिनके जो चुनाव नतीजे हैं वो भी निकल चुके हैं। आज जो है वो परिणाम हो रहे हैं बीडीसी मेंबरों के। अभी जो है जंगल रोपा से वार्ड नंबर 5 से जो है सुनीता धीमान जो है वो बीडीसी की मेंबर चुनावों में जीत चुकी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी जीत होने पर उनकी क्या क्या प्राथमिकताएँ आगे रहेंगी और वो इसका श्रेय, जीत का श्रेय किसे देना चाहती हैं। पहले तो आपका मैम स्वागत है। तो आप हमें बताइए कि आप जीत का श्रेय किसे देना चाहती हैं? पब्लिक को देना चाहती हूँ, मेरे पब्लिक। तो आप आपने जीत हासिल कर ली है, अब आप ये हमें बताइए कि आप पंचायतों में आप क्या क्या आगे विकास करवाएंगे? हाँ जी, सब काम कार्य कराएंगे और जो जरूरतमंद है उनको सब। अब बताइए हमें कि आपने देखा होगा जो आप प्रचार कर रही थी तो लोगों को क्या क्या समस्याएं आ रही थी, उनको बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए कि जो लोगों की समस्याएं थी तो वो आप कैसे उनको सुलझाएंगे? समस्या को जो जोखों ने समस्या रखी उनको मैं पूरा करूंगी, जो भाई देखिए पूरा करूंगी ठीक है। तो ये थी वार्ड नंबर 5 से जंगल रोपा से सुनीता धीमान, उन्होंने बताया कि वो जो पंचायतों के विकास के कार्य होंगे उन्हें पूरी तरह से करवाएंगी और जो भी विकास के कार्य होंगे आधे अधूरे लटके होंगे उन्हें पूरा करवाएंगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो माहौल है वो एकदम गर्म है, जो जीत का जश्न है वो ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जा रहा है। तो आइए अब हम जानते हैं कि वार्ड नंबर 5 से जो सदस्य हैं उनके सुनीता धीमान के बारे में क्या क्या कहेंगे, जो उनकी जीत हुई है उनके बारे में क्या क्या कहेंगे। तो सर आप हमें बताइए जो वार्ड नंबर 5 से सुनीता धीमान जीती हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी बहू है और बहुत अच्छी है, 10 साल पहले प्रधान रह चुकी है ये और सब काम करती है लोगों के लिए, लोकप्रिय है, अच्छा काम करती है, जो भी काम बताएंगे सब काम होएगा। तो आप हमें बताइए कि जो विकास के कार्य हैं आपको क्या लगता है कि आगे जाके ये विकास के कार्य क्या क्या करवाएंगे? जो भी गवर्नमेंट बताएगी वो सब काम होएंगे विकास के, कोई काम ऐसा नहीं है कि नहीं होएगा, पहले भी इनका सब काम हुआ है तो लोग जो हैं हमारे वो बहुत खुश हैं इनके ऊपर, तभी इन्होंने इनको चुना है और आगे भी ये हरेक कार्य जो है वो सफल करेगी और ठीक होएगा। अब इनसे जानते हैं कि जो वार्ड नंबर 5 से सुनीता धीमान जीती हैं आप क्या कहेंगे इनके बारे में कि जो ये विकास है किसके लिए आगे करवाएंगी और क्या क्या करवाएंगी? ये बहुत ही मिलनसार है और पहले भी ये पंचायत में प्रधान रह चुकी है, शिक्षित, जुझारू
और हर काम करने वाली है ये लेडीज, इसीलिए इसको हमारी पंचायत ने जो है कामयाब करवाया है। और जितने भी विकास के कार्य जो भी हैं, बिना भेदभाव के, कोई किसी से कोई भेदभाव नहीं किसी से, ये सब कार्य जो है ये करेगी पंचायत के। और इसमें कोई किसी को कोई शक नहीं है कि ये जो है लड़की बहुत ही अपने इस काम में जो से जो है निष्ठा से हर काम जो है ये करेगी। अभी आपने देखा कि जो वार्ड नंबर 5 से सुनीता दीवान है, वो पहले भी बताया जा रहा है कि प्रधान पद पर आसीन रह चुकी हैं और इस बार जो है बीडीसी मेंबर की उन्होंने चुनावों में जीत हासिल की है। तो उन्होंने बताया कि पहले भी बहुत से कार्य जो हैं विकास के करवा चुकी हैं और आगे चलकर भी लोगों की जो भी समस्याएँ होंगी उनको पूरी तरह से हल करेंगी। तो ये थी हमारे साथ आपकी स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूँ आपके साथ अनु शर्मा।